Next question. Question says a particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey will be. और चार ऑप्शन दे रखे हैं ना. बहुत ही सिंपल सवाल है. सिनेरियो कुछ इस प्रकार है कि ये आपका पार्टिकल है. ए पॉइंट होते हुए ए से बी होते हुए सी पे गया है. यहाँ पे इसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, s2, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है. ये आपके पार्टिकल का मोशन हुआ है. अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि s1 इक्वल टू st. तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी जो हम लिखते हैं या एवरेज स्पीड जो है उसको हम लिखते हैं s1 प्लस s2. ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय हमें करना है टोटल टाइम. टोटल टाइम s इज इक्वल टू ut से हम लिख सकते हैं t विल बी इक्वल टू s बाय यू. यानी कि यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा t1 दैट विल बी इक्वल टू s1 बाय v1. यहाँ पे टाइम t2 हो जाएगा s2 बाय v2. तो टाइम आप यहाँ लिख देंगे t1 t2 की जगह s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2. नाउ ये स्पेशल केस है जहाँ पे s1 s2 आपके दोनों बराबर हैं. तो इसको हम लिख देंगे दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय s बाय v1 प्लस s बाय v2. नाउ इसका अगर हम LCM लेंगे तो LCM आएगा v1 v2 ऊपर पहुंच जाएगा. ये हो जाएगा ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. नाउ बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर.